हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको 6 अमेजिंग स्कॉलरशिप्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ, जिसमें गाइज मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल रहेंगे। साथ ही में गाइज कुछ जो स्कीम्स है वो स्पेसिफिक गर्ल्स के लिए है। इसके अलावा गाइज कुछ फाइनेंस से रिलेटेड जो कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी गाइज यहाँ पे एक जो स्कीम है वो रहेगी। साथ ही में 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में अभी अगर आपने एडमिशन लिया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी अगर आपने एडमिशन लिया है तो वो स्टूडेंट्स भी गाइज इन स्कीम्स में जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो डिटेल में गाइज मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही में आपके काफी डाउट्स भी रहते हैं कि क्या हम एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स बताऊंगा, जो भी आपको स्कीम अच्छी लगती है उसके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस यहां पे कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2023, ये जो स्कॉलरशिप है गाइस वो बस गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रहेगी। यहाँ पे जो बॉय स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट्स है वो जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो स्कॉलरशिप है गाइस ये है कोटक महिंद्रा ग्रुप के तरफ से। एंड यहाँ पे आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो आप देख सकते हो, ओपन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है, अक्रॉस इंडिया जितनी भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एप्लीकेशन मस्ट हैव स्कोर्ड 85% और मोर मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA इन 12th बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा हाइयर है, ठीक है, मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे लिया जाएगा। 85% या फिर उसके ऊपर जो है वो आपको अपने 12th में रहना चाहिए, जो कि थोड़े कम स्टूडेंट्स को रहता है। तो अगर आप मेरिटियस स्टूडेंट हो तो ये जाके आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर पाओगे। जो एनुअल इनकम है इसमें अच्छा खासा रेज है, आप देख सकते हो। एप्लीकेंट्स एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी 6 लाख रुपीज़ और लेस, ठीक है। तो 6 लाख रुपीज़ से कम आपकी जो एनुअल इनकम है पेरेंट्स की वो रहना चाहिए। बहुत सारी स्कॉलरशिप में 2 लाख ही रहता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं रहते। तो यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जिनके इतने परसेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका जो कॉलेज है गाइज वो NRF या फिर NAC एक्रेडिटेड जो है वो रहना चाहिए। ऐसे कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर प्रोफेशनल अकेडमिक सच एज प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग MBBS इंटीग्रेटेड LLB 5 ईयर्स, अदर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक डिज़ाइन आर्किटेक्चर एक्सेट्रा, ऐसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी वगैरह जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे दी हुई है। बेनिफिट्स अगर हम देखते हैं तो स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ RS 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर विल बी गिवन टू ईच सिलेक्टेड स्कॉलर टिल कंप्लीशन ऑफ हर पोस्ट ऑफर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स डिग्री, ठीक है। तो प्रोफेशनल में गई BSc BBA ये सारे कोर्सेज जो है वो नहीं आते हैं, जो BTech वगैरह है या फिर फार्मेसी हो गया, MBBS, ये सारे कोर्सेज जो है वो आते हैं, तो इसका ध्यान में रखना। एंड आपको यहाँ पर ईयर 1.5 लाख रुपीज़ जो है वो मिल सकता है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन से लगेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड इसकी जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। एंड अप्लाई नाउ का यहाँ पे जो बटन है वो भी मिल जाएगा। अब आपके मन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट थे, जैसे मैंने पिछले वीडियोस बनाए थे, कि ये तो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है तो क्या हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ से भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इस वेबसाइट पे स्पेशली स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रहती है। यहाँ से भी आप अगर अप्लाई करते हो तो आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड वहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो लास्ट डेट है इस स्कॉलरशिप की वो है गाइस 30 सितंबर 2023, बस गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है गाइस ये है रमाकांत मंजुल स्कॉलरशिप 2023। इसमें गाइज आपको 5 लाख तक जो बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं। इसमें गाइज आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो एक अच्छी बात है। एंड ये जो स्कॉलरशिप है गाइज वो मेनली जो फाइनेंस रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट परस्यूइंग फर्स्ट ईयर ऑफ BBA, BFIA, BCom, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट BMS या फिर IPM, BA इन इकोनॉमिक्स, बैचलर्स BBS, ठीक है। ये सारे कोर्सेज जो है वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, जो भी फर्स्ट ईयर में वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें गाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अच्छा खासा है। मिनिमम आपके 80% या फिर उससे ज़्यादा जो है वो रहना चाहिए 10th एंड 12th दोनों मिला के, ठीक है। 10th में 80 के ऊपर, 12th के 80 के ऊपर, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। एनुअल इनकम जो है वो 4 लाख के नीचे अगर रहता है तो बढ़िया, इसके ऊपर जाता है तो एलिजिबल नहीं रहोगे। देखो गाइस, जितना अच्छा आपको स्कॉलरशिप मिलेगा एंड जितना हाई आपको इनकम का यहाँ पे बैरियर मिलेगा, अगर सपोज करते कि यहाँ पे जो बैरियर है वो सपोज
60% का रहता है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 80% का बैरियर है, तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कम होते हैं एंड स्कॉलरशिप मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड फिर जितना ज़्यादा परसेंट रहता है तो उतना ही ज़्यादा फिर इनकम का जो बैरियर है वो भी रेज हो जाता है। नहीं तो अगर 2 लाख के नीचे इनकम चाहिए होती है तो उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी 4 लाख से कम इनकम है तब आप अप्लाई कर सकते हो। सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है ये ओपन रहेगा, इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ओपन कैटेगरी OBC है, जो भी कैटेगरी है, डजेंट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बेनिफिट्स आपको जो है आप देख सकते हो, स्कॉलरशिप रेंजिंग फ्रॉम INR 40,000 to 5 लाख रुपीज पर ईयर विल बी अवार्डेड टू ईच स्कॉलर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फॉर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। द एग्जैक्ट स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी डिपेंड ऑन द एक्सेप्टेड कॉलेज फी, ठीक है। तो जो भी आपकी कॉलेज फी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। बस 5 लाख तक यहाँ पे जो बेनिफिट्स है गाइस वो आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपको 5 लाख तक भी जो बेनिफिट्स है वो स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो मिल जाए, ठीक है। एंड कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड स्कॉलरशिप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करके आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज हमारी HDFC परिवर्तन स्कीम, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो जो है वो बनाया है, आप देख सकते हो। इसमें गाइज 10th से लेके तो 12th तक स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, 1st से लेके तो 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो, BSc BCom हो गया या फिर इंजीनियरिंग फाइन फार्मेसी हो गया, ऐसा कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी के लिए ये जो है वो एलिजिबल है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो स्कॉलरशिप है वो एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। सारा डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया है, वो आप देख सकते हो। एंड एक बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप है, इसमें अगर आप अप्लाई करते हो सकता है चांसेस रहे, बट इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रह सकते हैं। एंड जो स्पेशल स्टूडेंट्स रहते हैं, जैसे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोविड में खो लिया है या फिर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उनको जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ऐसे स्कॉलरशिप में, ठीक है। तो डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे लेग्रांड एम्पावरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम 23-24, ये स्कॉलरशिप जो है वो भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो रहेगी, तो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स अवेलेबल है, आप उठा सकते हो बेनिफिट्स। ओपन फॉर गर्ल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया ओनली, यहाँ पे एप्लीकेंट्स जो है उनका जो एडमिशन है वो बीटेक बीई बी आर्किटेक्चर बीबीए बीकॉम या फिर बीएससी में रहना चाहिए, जिसमें मैथ एंड साइंस डिग्रीज इन इंडिया, ठीक है। तो मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है, बीटेक में तो सब रहता ही है। तो ये सारे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड आउट 12th इन द ईयर ऑफ 22-23, ठीक है। अगर आपने 22-23 में पास आउट किया तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। मिनिमम जो स्कोर है वो है 70%, आपका 10th एंड 12th में 70 के ऊपर जो है वो रहना चाहिए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है, तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हो। एनुअल इनकम ऑफ द एप्लीकेंट फॉर फ्रॉम ऑल सोर्सेज मस्ट बी 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख से कम जो इनकम है वो रहनी चाहिए, तभी आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक नोट भी दिया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी मतलब सपोज किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, ट्रांसजेंडर कोई है, या फिर स्टूडेंट विद सिंगल पेरेंट है, या फिर किसी ने अपने पेरेंट्स को कोविड में खो दिया है, तो उनको ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा। बट अगर आपका भी मेरिट ओवरऑल अच्छा है तो आपको भी जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। बेनिफिट्स अब क्या मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस स्कीम में गाइस 60% ऑफ एनुअल कोर्स फ्री अप टू 60,000 पर ईयर जो है वो आपको मिल सकती है, ठीक है। मतलब जो भी आपकी कोर्स फी होगी उसमें एक तो आपको 60% का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, मतलब सपोज 1 लाख आपकी पर ईयर फीस है तो 60,000 की स्कॉलरशिप जो है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा 80% एनुअल कोर्स फी अप टू 1 लाख पर ईयर फॉर स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। तो जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, जिसके कोविड में जिन्होंने किसी को खो दिया है, फिर पर्सनली कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उनको 80% जो स्कॉलरशिप है अकॉर्डिंग टू देयर फी स्ट्रक्चर वो मिल सकती है, या फिर 1 लाख तक जो बेनिफिट्स है वो मिल सकता है। एंड यहाँ पे गाइस आप जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो भी देख सकते हो, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगेंगे। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे डिटेल में सारी जो चीज़ है वो दी है, एंड इसकी जो लिंक है वो भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते गाइस नेक्स्ट स्कॉलरशिप की ओर, ये है गाइस रोल्स रॉयल्स उन्नति स्कॉलरशिप फॉर वुमन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स वुमेन्स हैं, फीमेल्स हैं एंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए गाइस ये जो स्कॉलरशिप है वो रहेगी, ठीक है। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है, तो गर्ल्स को बहुत फायदा होगा। काफ़ी सारी स्कीम्स अवेलेबल है गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, तो आप अप्लाई करोगे तो चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम इन द फील्ड्स लाइक एरोस्पेस, मरीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, मतलब इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका जो कॉलेज है वो AICT से जो है वो रिकग्नाइज रहना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट जहाँ पे भी CET के थ्रू एडमिशन होता है या फिर JEE के थ्रू होता है, तो ऑलमोस्ट वो AICT से अप्रूव्ड रहता है, तो आप अप्लाई कर पाओगे।
आपका जो 10th और 12th का स्कोर है वो 60% से जो है वो ऊपर रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी सारे आ सकते हैं, तो अच्छा सा खासा कॉम्पिटिशन रह सकता है इसमें। 4 लाख का जो इनकम है वो रहना चाहिए, 4 लाख या फिर 4 लाख से कम, तब आप अप्लाई जो है वो कर सकते हो। पैन इंडिया एलिजिबिलिटी है, पैन इंडिया से कोई भी, मतलब इंडिया से कोई भी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वगैरह का कोई भी आप भेदभाव नहीं है, जिसको अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन आर ऑल्सो ओपन फॉर फीमेल स्कॉलर्स हु हैव प्रीवियसली रिसीव द रोल्स रॉयल्स, मतलब लास्ट ईयर जिनको ये रोल्स रॉयल्स की स्कॉलरशिप मिली थी, अगर उनको अप्लाई करना है तो वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू स्पेशल कैटेगरीज सच एज दोज विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर कोविड में जिनके पेरेंट्स चले गए, तो उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। बेनिफिट्स यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज़ तक जो है वो मिल जाएंगे, एंड बाकी सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे दी हुई है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो मैंशनड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो सारी चीज़ें, एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये डाउट होता है कि क्या हम एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो गाइस, ये प्राइवेट स्कॉलरशिप्स है, तो इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, बट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में महाडीबीटी के रहते, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए बस आप एक ही स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको मिलती है तो फिर कुछ रूल्स रहेंगे, बट अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, फिर यहाँ पे जेके लक्ष्मी वाली स्कॉलरशिप। अब इसमें जो है वो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की एग्ज़ है, जैसे 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th के लिए अलग है, 11th के लिए अलग है, फिर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अलग है, ITI के लिए जो है वो अलग है, फिर यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन में जिन्होंने एडमिशन लिया होगा उनके लिए 30,000 तक बेनिफिट्स है, उनकी स्कीम्स यहाँ पे अलग है, फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी जो स्कीम्स है वो दी हुई है। तो इसकी डायरेक्ट मैं वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको दे दूंगा, तो जो भी स्कॉलरशिप स्कीम आपको इसमें से चाहिए होगी उसके ऊपर आप अप्लाई पे क्लिक करके सारी जो बेनिफिट्स एंड सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक कर सकते हो, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। मेनली गाइस, इन स्कॉलरशिप्स की जो लास्ट डेट है वो एक तो सितंबर मंथ है या फिर अगस्त की 31st तारीख है, तो आप यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो भी चेक कर सकते हो। सभी स्कॉलरशिप में जो लास्ट डेट है वो भी मैंशनड है, एंड कब तक आप अप्लाई कर सकते हो वो सारी चीज़ है वो भी बताइए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन भी है, तो एक बार विजिट कर लेना, लिंक्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी स्कॉलरशिप आपको अच्छी लगती है वहाँ पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आने वाली वीडियोज़ में गाइस और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ चाहिए ये भी कमेंट्स में बता देना, वो सारे वीडियोज़ भी जो है मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।